चीन से निकला कोरोना फिलहाल चीन में तबाही मचा रहा है। कोरोना से बचने के लिए पहली बार पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाया गया था, जो काफी लंबा चला, जिसके कारण पढ़ाई से लेकर काम तक घर से शुरू किए गए। हालांकि धीरे धीरे हालात सामान्य हुए तो लॉकडाउन भी हटा, लेकिन चीन के कई राज्यों में आज भी लॉकडाउन में लोग समय गुजार रहे हैं। इसी बीच चीन के शंघाई विश्वविद्यालय ने छात्रों को एक अनोखा टास्क दिया है, जिसे उन्हें घर से करना है। दरअसल चीन के कुछ विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन से पहले तैराकी सीखने का रिवाज है। इसके लिए परीक्षा भी ली जाती है, लेकिन लॉकडाउन के कारण विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन परीक्षा देने को कहा है। विश्वविद्यालय के आदेश के बाद से सोशल मीडिया पर इसका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। छात्रों को ऑनलाइन स्विमिंग टेस्ट खत्म करने के लिए कैंपस नेटवर्क में लॉगिन करना था और ऑनलाइन सवालों का जवाब देना था, लेकिन अब चीनी सोशल मीडिया पर इस फैसले का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा है कि क्या ये घर के बाथटब में करना है। वहीं दूसरे यूजर ने वीडियो डाला है जिसमें वे स्विम सूट पहनकर बिस्तर पर छलांग लगा रहा है। आपको बता दें कि चीन के शंघाई में 1 अप्रैल से कोरोना से बचाव को लेकर लॉकडाउन लगाया गया है।